चल रहा जंगल राज, जिस सिक्योरिटी दे विच एक बंदे दा दिन दिहाड़े शरेआम कतल हो जांदा, डीएसपी रैंक दे एएसपी रैंक दे बंदे मूर्ख दर्शक बन के सामने देख रहे गोलियां चलदे, जदों गोली चली है तो डीएसपी जिहड़े भज्जे ने उत्थों पुलिस दे मुलाज जिहड़े भज्जे ने, तो मैं लगता अपनी सिक्योरिटी आपे ही करनी चाहिए, ना कि सरकार आते जाना इन्हों पर डिपेंड रहना चाहिए। तो बेसिकली तो जो पिछले दिन सोशल मीडिया के ट्रेंड कर रहा कि शिवसेना के लोग जोड़े है सिक्योरिटियां वास्ते ही ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि असी बाला साहब ठाकरे के सिपाही मेरे किसी भी पदाधिकारी ने कोई गलत बयान नहीं दिता, अगर किसी ने एक ने दिता तो असी अपने संगठन के पिछले बाहर का रस्ता जो दिखाता। तो कि लग रहा है कि पंजाब की अमन शांति बरकरार रहनी चाहिए है, सिक्योरिटियां जिंदगी नहीं हैगी, पंजाब जिंदगी है, क्योंकि असी पंजाब के पुत्र हाँ, तो असी गुरुआ की धरती के उपर बहुत सारा अपने आप सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि साडा इस गुरुआ की धरती से जन्म होया, पंजे त्रियावां की धरती से जन्म होया। लेकिन अज के जेडे पंजाब दे विच राजनीतिक बड़े बड़े जेडे सत्ता तो बाहर हो गए जां जेडे अज सत्ता च आ गए जां जिन्हां नूं लग रहा भी हुण सत्ता साडे कोल दूर हो गई, वह कोई भी व्यक्ति पंजाब नूं जोड़ने की गल नहीं कर रहा, वह चाहता कि पंजाब दे विच कुछ वड्डा होवे ते फिर लोगों की लाशा के उपर डट के राजनीति करिए। तो मैं ये लगता कि जिहड़ी पंजाब की धरती ने भी पूरे विश्व समुदाय को खाना खिलाया हो, अज उस धरती के नाल लोग खिलवाड़ कर दिन रात है साढ़े ऐसी सोच वाले लोगों का, ऐसे लोगों की जगह जी है जेल के होनी चाहिए है, किसी ने भी फालतू का मूँह खोलने की पंजाब आगे नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के भी कुछ मेरे पत्रकार भाई बदोबदी किसी के मूँह के माइक बाड़ के तो कोई ऐसा बयान कट के तो उन्होंने अगे करके तो पंजाब को लांबू लाने की कोशिश कर रहे हैं। अज सारे का कताब बनता जिस तरह असं कहने भी ड्रग्ज माफिया पंजाब खत्म होना चाहिए, किस तरह खत्म होएगा जिनी देर लोगों को जागृति नहीं आएगी, अगर लोग सारे जागृत हो गए वो जरा ता ही ड्रग्ज माफिया खत्म हो सकता, और आप कल पुलिस का छड़ दी है तो मैंने लगता पुलिस कभी भी पंजाब ड्रग्ज माफिया जरा खत्म नहीं कर सकती। कि हिंदू समाज को नपन की कोशिश की जा रही है, पंजाब डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरीके पहला 84 तो लैके 92 का जरा अत्तवाद का संताप, साढ़े 35,000 पंजाबियों ने साडे बजुर्गों ने पंजाब की बहादुर पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स ने जरा झेलिया वो अत्तवाद को दोबारा पंजाब दे विच लिया एक बहुत व्डे पद्धर के उत्ते साजिशा जिहड़ियां पाकिस्तानी प्रस्त या देश विदेश बैठे जिहड़े पंजाब नूं तोड़ने लई काम कर रही लगातार ताकतावां उन्हां वल्लों किया जा रहा। लेकिन उस दे नाल मैं समझदा पंजाब दे अंदर शिवसेना दे नाल संबंधित कुछ नाम रख के एक दर्जन तो दो दर्जन तो नहीं 3 दर्जन तो भी वध संगठन बन गए है, वो किहदी शैल्टर दे बने है वो असी अज प्रशासन नूं पुछण आए सी। ते बार बार जिहड़ा सवाल एक चुकिया जांदा कि शिवसेना जिहड़ी सिक्योरिटी लई काम करदी है, साडी पंजाब दी तमाम लीडरशिप अज समेत साडे पंजाब दे प्रधान श्री योगराज शर्मा जी और लुधियाने दी जिन्नी भी पंजाब दी लीडरशिप मेरे नाल अमर टक्कर जी, मनोज टिंकू जी, गौतम सूद जी, रजिंदर भाटिया जी और तमाम आगुओं ने आपकी सुरक्षा आ के अज लुधियाने के माणयोग पुलिस कमिश्नर साहब नूं वापस करती है। तो असी अपना दर्द यह भी बयान किया कि असी खुद इस गल्लों दुखी हाँ कि जिहड़े पंजाब दे विच आए दिन बयानबाजी करके पंजाब दे भाईचारे नूं खराब करने के लिए कुछ लोग तुले है, इन्हां दे उपर नकेल कसी जाए। दूसरा जिहड़े कट्टरपंथी जिहड़े साडे नौजवानों नूं जिहड़े पहले ही जिहड़ा साडा नाल दा जिहड़ा मुल्क है पाकिस्तान वह नशे वाल तोर रहा है, उन्होंने हथियार चुकन की जी प्रेरणा दे रहे हैं, तो अज नौजवान गुमराह होकर पंजाब वड्डे पद्धर से कतलेआम कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानी की गल है, तो अफसोस की गल है कि पंजाब दे विच एडा वड्डा फतवा जारी करके जिहड़े असी सरकार नूं चुणिया, मुख्यमंत्री साहब कह रहे कि यह तो छोटिया मोटिया गल्लां, तुसीं नाल दे सूबे वाल देखो इस तो वड्डे क्राइम है। बड़ी हैरानी की गल है कि असी दिल्ली मॉडल की गल करते सरकार लियाण तो पहला कि शिक्षा वड्डे पद्धर से जाएगी, जी चिकित्सा जी वे पद्धर से जाएगी, लेकिन हूँ जो क्राइम है वह वे पद्धर वाल भी जाऊगा, यूपी बिहार वाल भी मिसाल दे रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी तो भजन का बड़ा शर्मनाक जरा बयान सीएम साहब ने दिता, उस बयान की आलोचना करते हुए असी अज तमाम शिव सैनिकों ने जोड़ा साडा मूल मंत्र अत्तवाद वेले भी कि शिव शक्ति का जाप करेंगे अपनी रक्षा आप करेंगे के तहत अपनी अपनी सुरक्षा जी वापस देती है। हूँ असी अपनी
जिहड़ी भी कारगुजारी है चाहे वह धर्म के प्रचार प्रसार की है या देश विरोधी ताकत के खिलाफ है वह असी जमीनी पद्धर के उस तरीके रखांगे। असी अपनी सिक्योरिटी वापस दे आए जी उत्थे उन्होंने दसता भी तुहाडे हैंडओवर करती है तुहाडे सामने तो खाली जावांगे। हुण सरकार नूं असी तुहाडे माध्यम नाल कहता है क्योंकि जो साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने गल कहती है एक टोक के ये छोटिया मोटिया गल्लां ते शिव सैनिकां दे जो बार बार कुछ पत्रकार वीर भी उंगल चकदे आ कि सिक्योरिटी नहीं सब कुछ हो रहा। असी तो अज अपने शिव सैनिकां ने अपनी मां दे दुध पीते हों दा सबूत देता हूँ देखना यह होएगा कि पंजाब के सीएम साहब ने भी क्या आपकी मां का दुध पीता वह भी हूँ बगैर सिक्योरिटी तो क्या पंजाब की कली कली गली दे विच एक गड्डी घूमती है ताकि जो उन्होंने एक बयान है कि पंजाब के अंदर अमन शांति भाईचारे वाला माहौल बनया लोगों के विश्वास जित पाते हैं। उन्होंने भी मेरी बेनती है तुहाडे माध्यम नाल कि तुसीं भी एक गड्डी च निकलो भी जिवें कल तुसीं लुधियाणा च आए सीगे ते 14 जिलों की पुलिस लवानी पै गई तुसीं भी हुण पंजाब दे कल्ली कल्ले गुली गली कुचे दे विच सिंगल गड्डी च गेड़ा कढ़ो ते पंजाब दे लोकां दा विश्वास जिहड़ा उह जित्तो कि वाकई पंजाब दे विच शांति वाला माहौल है। सीपी साहब ने की किया जी? जी बिल्कुल असीं सीपी साहब नूं अपना दर्द दसता कि साड़ा कोई जी बयानबाजी ना लेना देना नहीं है जिहड़ियां शिवसेना के नाम से बनिया जथेबंदियां या जिहड़े अमृतपाल वर्गे लोग है इन्हां दोवां दे खिलाफ जो भी प्रशासन कार्रवाई करता है क्योंकि असीं तां प्रमाण दे रहे हैं लगातार। पता नहीं मीडिया क्यों इस गल्ल नूं नहीं दिखाती कि शिवसेना के फर्क क्यों नहीं पैदा कर रही डिफरेंस जिहड़ा वा 2 साल पहलां तो असी 6 जून जिहड़ा एड्डा वड्डा एक दिहाड़ा जिहड़ा पंजाब दे अमन भाईचारे नूं नुकसान पहुंचांदा है असी 2 साल पहले ही उस गल दे लई शिवसेना बाल ठाकरे ने ऐलान करता ही तुहाडे सारयां दे विच कि असी इह जिहड़ा कार्यक्रम निरस्त कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं। दूसरा जे पटियाले दे विच 29 अप्रैल नूं हरीश सिंह नां दे व्यक्ति ने पंजाब नूं अग लाउण दी कोशिश की उन्होंने भी असी 2 मिनट नहीं लाए पार्टी तो कढ़न लई 2 दिन पहला जे गुरदासपुर तो एक साडी पार्टी का आगू सी हरविंदर सोनी जे उन्हें दरबार साहब बारे माड़ी टिप्पणी की जिहड़ा पूरे दुनिया के हिंदू सिखां दा आराध्य स्थान है असी उदों भी 2 मिनट नहीं लाए। पर जिहड़े बाकी लोग जिहड़े बयानबाजी कर रहे लगातार किसी ना किसी धर्म नूं टारगेट कर रहे हैं उन्होंने खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बाकी कौन ने? बाकी तुहाडे चैनलों के रोज देखते हैं असीं कोई भी उठता है किसी भी धर्म के बारे असीं क्यों देंगे लिस्ट? प्रशासन के सब कुछ वॉच है तुहाडे चैनलों से सब कुछ आ रहा है जिवें असीं देख रहे हैं वह भी देख रहे हैं। चड्ढा साहब अपनी पार्टी नूं तुसीं सही कह रहे हो कहिंदे कि साडी पार्टी सही हैगी। मैं अपनी अपने आप नूं सही कह ही नहीं रहा मैं कदों कह रहा कि मैं दुद्धा तुलिया वा मैं तुहाडे विच गल रख रहा कि बयानबाजी सही हो प्रशासन तय करे मैं कदों कह रहा कि मैं सही है तो वह गलत ने जिहड़े लोग माहौल नूं खराब कर रहे हैं चाहे वह कट्टरपंथी ने चाहे कुछ शिवसेना के नाम नाल नाम रख के संगठनों के नाल शिवसेना खत्म करते तुले है। सानू तो यह लगता है कि बहुत बड़िया राजनीतिक ताकत जिहड़ियां ने वो पंजाब दे विच शिवसेना खत्म करने के लिए लगी है जो असीं बिल्कुल कदे बर्दाश्त नहीं करांगे। उही तां बेनती कीती है जी असीं कि जिहड़ा उठता अपने आप नूं राष्ट्रीय प्रधान दसदा है तो एक नवी शिवसेना क्रिएट कर लैंदा तो उहनूं शैल्टर कीदा सरकार दे प्रशासन ही वॉच करेगा ना जी। हुण जी उन्होंने बिल्कुल अश्योर किया कि वो साडियां जिहड़ियां गल्लां ने पंजाब दे सीएम साहब नूं ते डीजीपी साहब तक पहुँचाउणगे ते असीं अगों भी जिहड़ा इह तुहाडे माध्यम दे नाल समय समय सिर ये हुण जिहड़ा सही पोलिटिक्स है पंजाब दी शिवसेना जो सही मूल मंत्र है सब नूं जोड़न वाला सारे धर्मां दी इज्जत करन वाला वह तुहाडे सामने लगातार पेश करांगे। सिक्योरिटी असीं इत्थे छड्डती जी अज्ज असीं छड्डती जी हुण प्रशासन दा काम तो उन्होंने कहना तुहानूं उन्हां कोल तुसीं पुछ सकदे हो मेहरबानी जी।